नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी पीआरटी पे केस हो चुका है, एक तारीख लग चुकी है, 16 जनवरी 2019 को दूसरी तारीख है। आपको ये भी पता होगा कि केस किस लिए था। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 30 वाले जो शिफ्ट के बच्चे थे उनके लिए जो क्वेश्चन थे अनएक्सपेक्टेड थे। तो उनका कहना है, आपको पता होगा कि जो NIOS है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, और 30 वाले जो शिफ्ट के बच्चे हैं उनका कहना है कि उनके लिए वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, और जैसा कि जायज है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनको बेनिफिट मिल सकता है, और जहां तक है मिलेगा बेनिफिट। लेकिन उन बच्चों का क्या कहना है कि उनके लिए चीजें अनएक्सपेक्टेड थी, बाद वाली शिफ्ट ने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए और उनके इस हिसाब से अच्छे मार्क्स एग्जाम में जो पार्ट टू है उसमें आ जाएंगे। इसके बाद 28 वाले कुछ साथी, ज्यादा नहीं कुछ साथी, और 30 वाले भी ज्यादा नहीं कुछ साथी उनके साथ है, और इस बेस पे उन्होंने केस कर दिया। इसके बाद उनकी जो मांगे हैं वो आपको पता होंगी, उनकी मांगे हैं कि जो पेपर है वो कैंसिल किया जाए, उनकी मांगे हैं कि पेपर कैंसिल किया जाए। इसके बाद उन्होंने दूसरी मांग भी रखी है, ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, जो केस करने वाले साथी हैं उनका कहना है कि जो 30 वाली शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे। इसके बाद जो 28 वाला है, जो 28 वाली शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन है जो वो डिलीट होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन। तो वो साथी बोल रहे हैं कि जो मेरिट बने वो फर्स्ट पार्ट के आधार पे बने, सेकंड पार्ट को हम हटा दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो 30 वाली शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन मतलब अनएक्सपेक्टेड थे, 28 वाली जो शिफ्ट है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो उनका मानना है वो ही चाहते हैं जो केस में उन्होंने कहा है, जो डिमांड करी है, या तो एग्जाम कैंसिल हो जाए, अगर कैंसिल नहीं होता है तो फर्स्ट पार्ट के आधार पे, जो फर्स्ट पार्ट है उसके आधार पे मेरिट बनाई जाए। तो गाइस, अगर ऐसा होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता रिपीटेड क्वेश्चन हटने से इतना नुकसान होगा, मान के चलो 10 क्वेश्चन रिपीटेड हटा दिए गए, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, जो मेरिट बनेगी वो 90 में से बनेगी। अगर 100 सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन उसमें से हटा दिए गए रिपीटेड क्वेश्चन, तो मेरिट कितने में से बनेगी, 90 में से बनेगी। तो उसी हिसाब से जो एवरेज से काम होगा। और मैं क्या चाहता हूं, जो मेरा मानना है कि डीएसएसबी ने अभी कोई फाइनल नहीं किया है कि कितने क्वेश्चन वो डिलीट करेंगे, और ये जो चीजें चल रही हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपीटेड क्वेश्चन कितने डिलीट होंगे, अभी किसी को क्लियर ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि 28, 29, और हो क्या रहा है, जैसे जैसे केस हुआ है तो अफवाह इतनी चल रही है कि 28, 30 तक क्वेश्चन बता रहे हैं साथी कि इतने क्वेश्चन डिलीट होंगे, और जो कि मतलब इन बातों का बिल्कुल कोई आधार नहीं है, इतने क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट नहीं होंगे। तो इन साथियों की जो मांग है मैंने आपको बताई है, हालांकि मुझे लगता है कि ज्यादा साथी इनकी इस बात से, इस डिमांड से खुश नहीं होंगे। और जैसा कि आपको पता है केस भी हुआ था, तो उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, और उस वीडियो में वो क्या बोल रहे थे कि जैसा कि साथियों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं केस फाइल करूंगा, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इनके साथ हों, खुश हों। तो मैंने एक वोटिंग कराई, ऑनलाइन पोल कराया, जिसमें 72% साथी ऐसे थे जो केस से बिल्कुल खुश नहीं है। आप समझ सकते हैं, 72% ऐसे साथी थे जो केस से खुशी नहीं थे। तो इसमें क्या है, आप समझ सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो खुश नहीं है इस चीज से, और देखा भी जाए तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी कितने टाइम के बाद आती है, और एग्जाम 2017 में भी कैंसिल हो चुका है, और कैंडिडेट्स इतने दुखी हो चुके हैं। इवन अगर आराम से कोई सोचे तो उन्हें पता होगा कि कितना दुख होता है, बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो
तो ये सारी चीजें बहुत गलत हो रही हैं कैंडिडेट्स के साथ। और इसके बाद अगर फिर भी अब एग्जाम कैंसिल हो जाता है, मैं ये चाहता हूँ कि DSS भी एक अच्छा सॉल्यूशन करे, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनके लिए भी, ऐसे नहीं कि 25, मुझे नहीं लगता कि 25 क्वेश्चन डिलीट होंगे, और 30 वाले हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा सॉल्यूशन करे, उन्हें नॉर्मलाइजेशन हो तो उसमें उनको थोड़ा बेनिफिट एक्स्ट्रा दिया जाए। 13, 14 और 28 वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उन सभी का मानना है कि जो 30 वाली शिफ्ट थी उनके लिए चीजें अनएक्सपेक्टेड थी, वो बिल्कुल जायज मानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड थी, और वो ये भी चाहते हैं कि जहां तक है DSS भी उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, और उनका ये भी मानना है, वो ये भी चाहते हैं कि उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। अब गाइस केस होता है तो उससे वो बिल्कुल दुखी हैं। काफी ऐसे साथी हैं, आपने कमेंट्स भी देखे होंगे, वो ये चाहते हैं कि जो एग्जाम है बार बार कैंसिल हो रहा है, वो चाहते हैं कि सिलेक्शन चाहे किसी का भी हो लेकिन कैंसिल एग्जाम ना हो। इसके बाद काफी ऐसे साथी हैं जो धरना होने वाला है उसमें आने वाले हैं, उनका खुद का मानना है कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो लेकिन किसी का सिलेक्शन जरूर हो। और ये चीज देख के अच्छा लगता है कि इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के हक के लिए भी लड़े, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे, तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज देखते हैं क्या होता है, और इसके बाद बता देना चाहता हूँ 24 दिसंबर 2018 को धरना दिया जा रहा है, वो साथी जो रिजल्ट चाहते हैं वहाँ जरूर पहुँचे, और धरना देने के लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और जो धैर्य भाई हैं उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हक के लिए और दूसरों के हक के लिए जरूर लड़ेंगे। तो गाइज गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।